हेयर इन द सेवेंथ पार्ट हमें दिया क्या हुआ है, मेंशन है थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर। अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि कॉट ए किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू फोर बाय थ्री। अब अगर हम इसको नोटिस करें तो हमें पता है कि हमारा एंगल ए वुड बी द एक्यूट एंगल, सो इसको हम ए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी यहाँ पे लिख लेते हैं, सी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कॉट ए किसके इक्विवेलेंट होता है, टैन का ऑपोजिट होता है, एंड टैन वी नो इज पी ओवर बी, तो ये क्या हो जाएगा बी ओवर बी। बेस हेयर इज फोर और परपेंडिकुलर हेयर इज थ्री, एंड वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेनियस ताकि हम सेक के निकाल सके। सो हेयर इन दिस केस हाइपोटेनियस वुड बी इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, दिस इज 16, दिस इज 9, सो दिस वुड गिव यू √25, और √25 क्या हो जाएगा हमारा, इट वुड बी 5। अब हमें निकालना क्या है, सीकेंट ए निकालना, तो सीकेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सेक वुड बी वी नो दैट सेक वुड बी इक्विवेलेंट टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो इट वुड बी हाइपोटेनियस ऑफ वो बेस। हाइपोटेनियस इज 5 है, बेस इज 4 है, सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट है, विच इज 5/4।